हेलो एवरीवन, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ डीडी वीडियो का दूसरा सीरीज, यानी कि दूसरा वीडियो। इस वीडियो में आपके जानने वाले हो कुछ ऐसे ही कॉन्क्रीट और फिर सारी चीज़ों के बारे में जो शायद इससे पहले आपको किसी ने बताया नहीं या फिर आपने कहीं पर देखा नहीं, क्योंकि यार ये काफ़ी अलग है, काफ़ी हटके है। जैसे कि यार आपके हाथ पर यार स्क्रैच आ जाता है या फिर कट जाता है तो उसको फिलिंग करने के लिए मरहम पट्टी करना पड़ता है या फिर ऑटोमेटिक कुछ दिन के बाद वो फिलिंग हो जाता है। कुछ इस तरीके से होता है कंक्रीट के साथ। यार आपको यकीन नहीं होगा, आपको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि जापानीज के साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर ये रिसर्च किया है, ये खोज किया है, साइंटिफिक तरीके से प्रूफ भी करके बताया कि इतने दिन में जितने भी कंक्रीट के जॉइंट रहते हैं, यानी कि प्लास्टर के जॉइंट रहते हैं, वो ऑटोमेटिक सेल्फ फीलिंग, सेल्फ हीलिंग हो जाता है। उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, करना पड़ता है पर वो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सीमेंट उमेंट ला के उसमें भरना नहीं पड़ता, बस कुछ आसान काम करने पड़ते उसको फिलिंग करने के लिए। तो ऐसे ही वीडियो में आपको वीडियो में बने रहिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें क्या मैं बताने वाला हूँ, क्या मैं नॉलेज देने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया था सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के बारे में, तो सेल्फ हीलिंग कंक्रीट ही होता है। जैसे कि जॉइंट आ जाती बारिश के टाइम, उसको भरने के लिए आपको सीमेंट की ज़रूरत पड़ती, लेकिन सीमेंट की ज़रूरत ना होने के कारण आपको और कुछ लेना पड़ेगा। जैसे कि यार जापानी साइंटिस्ट ने बताया है कि इस पर स्प्रे कर दो, कुछ ऐसे केमिकल्स मिलते हैं मार्केट में, उसको स्प्रे करने के बाद 33 डे के बाद वो ऑटोमेटिक किसी भी जॉइंट की तरह, यानी कि आपके हाथ में कोई भी स्क्रेच आता है तो मरहम पट्टी से उसको जॉइंट कर दो, कुछ दिन के बाद वो जॉइंट हो जाता है। तो इस तरीके से ये सेल्फ हीलिंग कंक्रीट जॉइंट हो जाएगा। बेसिकली ये बनता है कैल्शियम, फास्फोरस और बहुत सारे लिटरेट, पता नहीं क्या नाम था यार वो केमिस्ट्री के फार्मूले का तो मुझे आइडिया नहीं, पर ये सारे आपको जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप चाहिए, आपको अगर चाहिए तो सेल्फ हीलिंग कंक्रीट से आप ऐसे ले सकते हो और स्प्रे कर सकते हो उन जगहों पे। शायद अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं, ज़्यादातर ये ट्रेंड चलता है चाइना, US और जापान में, ये ट्रेंड वहाँ पे है। यहाँ पे देखो कब तक आता है, उम्मीद है जल्दी आ जाएगा। तो यार एक लाइक तो बनता है। तो हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे सेल्फ हीलिंग टेंट, ये क्या चीज़ है भाई? अगर आपको ज़्यादातर घूमने की ज़रूरत है, जैसे कि एडवेंचर पहाड़ पे जाना और बहुत सारे जंगल बिहार में रहने की ज़रूरत है, यानी ऐसे जगहों पे घूमने जाते हो तो वहाँ पे टेंट लेके जाते हो। टेंट लेके जाने के बाद कुछ पेड़ का कॉर्नर लग जाने से टूट जाता है या फिर ज़मीन में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं जिससे उसमें होल हो जाता, फट जाती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए एक टेंट कंपनी ने इसको बनाया, सेल्फ हीलिंग टेंट, यानी इसमें अगर कुछ भी छेद होता है तो मरहम पट्टी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक यार वो अपने फॉर्म में आ जाता है, जैसे पहले था वैसे बन जाता है यार, ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप अगर चाहते हो इस तरीके से टेंट तो ये वेबसाइट से आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे उसका नाम डाल दूंगा, उस कंपनी का, उस टेंट का नाम, तो वहाँ से आप जाके ले सकते हो इस तरीके का टेंट, काफ़ी अमेजिंग है ना। पानी पे चलने का वीडियो आपने तो बहुत देखा होगा यार, यार कि जैसे कि यार पानी पे चलता हुआ ये आदमी, या फिर डायनमो की वीडियो देखे होंगे जो मैजिक करता है। बेसिकली मैं बता दूँ, पानी के नीचे उसके अंदर गिलास रखे होते हैं जो दिखते नहीं, यानी कि पानी की तरह ही गिलास होता है, तो उसके ऊपर चलने का कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ यार, एक कंपनी ने द वाटर मैट करके उसने बनाया है पानी के चलने के ऊपर। पानी का अगर फन करना है फैमिली के साथ में तो ये मैट अगर आप खरीदते हो तो बेसिकली यार पानी पे चल सकते हो, दौड़ सकते हो, लेट सकते हो, उस पे उठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको मैजिक वजिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुद पानी पे चलना चाहते हो तो ये मैट खरीद लो वेबसाइट से, फाइट मैट्रिस टू मैट्रिस। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था बीच में, लेकिन मैं आपको बता दूं मैट्रिस टू मैट्रिस फाइट नहीं हुआ था, बेसिकली ये उड़ गया था, यानी कि इसका थंबनेल लगा के बहुत सारे लोगों ने कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया। लेकिन मैं आपको बता दूं यार इसके पीछे क्या, इसके पीछे ये है कि मैट्रिस का एक फैशन शो चल रहा था, तभी आंधी चलने लगी और फिर बाद में जितने भी मैट्रिस थे सब उड़ने लगे, रोड पे चले गए, गार्डन में चले गए, किसी के घर में चले गए, स्विमिंग पूल में चले गए, बहुत सारी जगह ऐसे उड़ने लगे। तो ये काफ़ी अमेजिंग है, फनी भी है यार कि फाइट बिट मैट्रिस, मैट्रिस टू मैट्रिस फाइट। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी थी और लाइक करो यार, मुझे मालूम पड़ेगा कि लाइक से मुझे ये मिलता, एनर्जी मिलती है और मैं वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ। अगर ऐसी वीडियो इन द फ्यूचर में चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।